सॉरी सॉरी, अभी अपने बाबू सोना के साथ लेके पड़े। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं पहाड़ की ऊंचाइयों पे। ये रहा हमारा पूरा कॉलेज कैंपस वगैरह, ये हमारे हॉस्टल, इस साइड को ये हॉस्टल है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारे हॉस्टल्स हैं और ये पूरा हॉस्टल है, क्रिकेट ग्राउंड है और ये हमारा, हाँ ये भी हॉस्टल ही है, अब तो बंद रहते हैं। और ये हमारा कॉलेज कैंपस, उसके बाद ये है गर्ल्स हॉस्टल, ठीक। और हमारे सोनी भाई की फरमाइश भी दिखाया गया, बाकी तो अभी दिखा सकते हैं। ग्रीन व्यू, पूरा व्यू आ रहा है। और बाकी हमारे सोनी जी, सोनी जी से स्मार्ट कोई है क्या कोई? और बाकी अभी यहाँ पर हम आ रहे हैं प्रांजल भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। ये यहाँ पर सारे लड़के, यहाँ पर पूरी पार्टी वगैरह की तैयारी हो रही है और मेन्यू में वेज और नॉन वेज दोनों है, चिकन और पनीर। बाकी ये हमारे बर्थडे बॉय, एक आधे लड़कों को शायद और बुला रहे हैं, भाई आओ करके। ये बुला रहा है अभी सागर को शायद, ऊपर ये करके। अरे सॉरी सॉरी, अभी अपने बाबू सोना के साथ लगे पड़े हैं। बाकी यहाँ पर जो प्रिपरेशन होती है, बाकी प्याज काटना, टमाटर काटना, लहसुन छीलना, वो होता है, वो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर तेल डाला जा रहा है, सबसे पहले तेल डाला जा रहा है। डॉली तेल वाला, डॉली तेल वाला, ये देख सकते हैं गाइस, भर भर के तेल डाला जा रहा है, तेल में कोई कमी नहीं है। डॉली तेल वाला, डॉली बनाओ भी नहीं देख रहे, सिर्फ चटाई की जरूरत है। लौंडे यहाँ पर अश्लीलता कर रहे हैं। बाकी है हमारे रवि भाई टमाटर काटते हुए, और अगर हम बोले फूड ब्लॉगर के, उसमें भैया ही टमाटर है ना, टमाटर काट रहे हो ना। और ये हमारे सचिन भाई, लहसुन है, अच्छा ये लहसुन है, ठीक ठीक हो गया। ये हमारे सचिन भाई लहसुन छिल रहे हैं, और मोहन मोहन भाई कुछ धुलने तो गए, पाठक जी हेड कुक, ये प्योर वेजिटेरियन है इसलिए अलग से साइड में इनको भेज दिया गया है, तो वाले बाद में बनेगा, ये सबको यहाँ से ऑर्डर दे रहे हैं। वही तो, ये हमारे सोनी जी साइड में अलग से, पता नहीं क्या आपने पैर को खुजा रहे हैं वहाँ। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। क्या कहा तूने? मैं भाई सुनील भाई आशिक हो रहे हैं, आशिक कर रहे हैं वहाँ। तू मुझसे प्यार करती है नहीं करती है? पसंदीदा औरत से बात करने के लिए कभी भी समय निकाल सकता है। तो गाइस, अभी अब मैं पत्थर ढूंढने के लिए आ गया हूँ, जिससे कि हम कूट सकें हमारे अदरक और लहसुन को। और पत्थर भी बिल्कुल चिकना चाहिए, और यहाँ पर चिकना पत्थर जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। और वहाँ अभी वो उनकी आग नहीं जली, उनका तेल ही गर्म नहीं हो रहा तब से, वहाँ से पाठक जी ये सब लोग। ये पूरा जंगल है, ये प्रॉपर जंगल में आए हैं, टॉप जंगल। सो गाइस, हमारा अभी प्याज व्याज पका रहे हैं, ग्रेवी वगैरह बनने के लिए। सुनील भाई मेन आग जलाने वाले, हमारे दो भाई आग जलाने के लिए रखे, करण भाई जरा उसको कर रहे हैं, बाकी और सब है भाई। हाँ इससे भर सीधे उसको ही वहीं ले चलना है भाई, यार तो गाइस यहाँ पर इनका चिकन धोया जा रहा है। गाइस इसे लॉलीपॉप कहते हैं, चिकन लॉलीपॉप। गाइस दो दो लॉलीपॉप ही मैं खाऊं, एक दो तीन चार पांच लॉलीपॉप दिख रहे हैं भाई, ये लॉलीपॉप तुमने गलत करवाया। कौन बोला हमारा ग्रेवी बन चुकी है, बाकी ये पनीर वालों के लिए निकाल दिए ग्रेवी, पाठक जी लोगों के लिए। सचिन भाई हमारे डाल रहे हैं चिकन, ये चिकन डाल रहे हैं।
ये देखो यहाँ पर, अरे धोया था भाई, सब कर रखा था। और टाइम दिखाता हूँ आपको, 4:49। लकड़ियाँ ढूंढ के भी आ गए, और यहाँ पर इनका पनीर वगैरह बन रहा है, पक रहा है। ये लकड़ियाँ चलो कमी नहीं होगी, ये देखो अभी नहीं लग रहा, अभी तेज कर रहा है। ये हमारा चिकन अब लगभग पकने वाला है, भूख भी लग रही है, खुशबू से दूर तो आ गई थी। ये हमारे दो कुक हैं, करण भाई और जेपी भाई। ये हमारा मतकटा बर्थडे बॉय, क्यों पैदा हुआ भाई तू आज के दिन? बता तुझे साफ कर ले, मसाला अलग हो जाएगा। ले यहाँ देखा अलग हो जाता है भाई, तू क्यों पैदा हुआ आज ये बता, चिकन खिलाने के लिए। अच्छा चल ठीक है, तब पाठक जी हमारे खाने बांटने वाले, वो अपना चिकन बन रहा है, बर्थडे हुआ है, प्लेट ढूंढने में लगा पड़ा है। अरे पार्थ भाई, पार्थ भाई को मच्छरों ने खा दिया। 2000 years later। सो गाइस जैसे कि कल हम गए थे हमारे दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो वहाँ खाना बनते बनते रात हो गई थी, तो इस 7 बजे तक हमने खाना खाया, और तब तक का सबके फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, सबके फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह हो गए थे, तो वहाँ की कोई वीडियो बन भी नहीं पाई और व्लॉग भी पूरा नहीं पाया। सो आज दूसरा दिन है, ब्रेकफास्ट वगैरह तो सब कर लिया, बाकी आपको यहाँ का पता ही है, पानी वानी आता है नहीं यहाँ, थोड़ी भी बारिश हुई यहाँ का सब नदियाँ में उससे पानी की सप्लाई की जो पाइप होते हैं वो बह जाते हैं। तो अभी मैं और पाठक जी आ रहे हैं धारे नहाने के लिए, पाठक जी ने तो कपड़े भी धोने हैं, मैंने तो कल अंकित से धुला लिए थे। और ये हमारे अंकल, ये हमारे पुराने मैच के कुक, यार क्या बनू अब, ये रहा हमारा पुराना हॉस्टल, फाइनल ईयर का हॉस्टल है, और ये फाइनल ईयर के दो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। अरे तो पूरा परिवार लेके आ गया, जिनको भी बंदरों से डर लगता है, बंदर भगाने नहीं आता है, हमारे पाठक जी कोचिंग क्लासेस देते हैं उनको पत्थर वैसे मारने की, बस कश्मीरी पत्थरबाजों को नहीं, इन पत्थर वालों को, मतलब बंदर भगाने के लिए, बानर हकाने के लिए, क्यों। और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, देख सकते हैं तौलिया डाल के जाना पड़ रहा है, काफ़ी तेज़ धूप है, बॉडी टैन ना हो जाए करके, है फेस टैन, मैं कहते हैं स्किन टैन ना हो जाए, टेन इलेवन नाइन टेन ना कुछ हो जाए करके। जा रहे हैं नहा के धोके, आते हैं आराम से, मैं तो खाली नहाना ही है, कपड़े पे पाठक नहीं धोने, मैं तो कुछ कल धो दिए थे, कुछ मैं अभी धो के आ गया हूँ। तो धारी तो पहुँच गए, धारी के यहाँ पर ये शिव मंदिर है, हमारे पाठक जी जा रहे हैं, और नीचे नदी भी बह रही है, और अब आ रहा कोई भाई, पता नहीं कौन है, नहाना तो ना कपड़े धोने कर रहे हैं, अभी भीड़ ना लगी हो बस यही, हम अभी भीड़ ना लगी हो बस यही दुआ कर सकते हैं, बाकी और लौंडे नहा रहे हैं। ये रहा धारा हमारा, ये रहा धारा पूरी नदी, अगर भयंकर यहाँ तो तगड़ी वाली भीड़ लगी है, धारे से जो पीने का पानी होता है यहाँ से भरता है, ये नहाने वाला पानी, और ये लौंडे नहा रहा है। सो गाइस नहाना धोना हमारा हो गया, अंकित भाई कल देखा होगा आपने इसको, अच्छा कल नहीं देखा इसको, ये हमारे लौंडे भी नहा रहे हैं, पाठक जी का भी हो गया नहाना धोना। सो गाइस नहाने को नहा लिया है, और अब चलते हैं हॉस्टल को, ये खड़ी चढ़ाई चढ़ के जानी है यार, मेरे को सबसे गंदा ये लगता है, ये चढ़ाई चढ़ के जाने में इसमें हालत खराब हो जाती है। पाठक जी सेल्फी लेते हुए दिखाओ, तो पाठक जी कैसे लेते हो सेल्फी? सेल्फी ले रहा है भाई, स्नैप बना रहा है। अच्छा स्नैप, सब कुछ हो जाए पर स्नैप नहीं चाहिए। स्नैप या दोस्त ना मिले, अंकित मिल गया था, सही हो गया यार, बाल्टी नहीं ले जानी पड़ी मेरे को, अंकित ले जा रहा है भाई हमारा, अच्छा लौंडा है। तो व्लॉग भी अब काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो इस वीडियो को करते हैं पर एंड, और आपको मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, टिल देन बाय, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना करवाना ना भूलें। अंकित एक बार तू भी बोल दे भाई, क्या बोल दे भाई, रहने दो इसके बोलो, मेरा ही मान जाओ ठीक।